अब देखिए, चाहे चोर हो, गुंडा हो, लखेरा हो, उससे मतलब नहीं है। हमें जनता को जो सुविधा दे उससे मतलब। पूरे देश में 400 पार का नारा जो लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में दे रही है जी बीजेपी। दिल्ली की जनता के लिए काम किया है हमने। काम क्या किया उसने? एक पे एक दारू बेची, ठेके पे फ्री, ठेका पे ठेका फ्री किया। केजरीवाल ही देश का भला कर सकता, मोदी जी के बस की बात नहीं है। एसी चला रहा हूँ, बिल नहीं आ रहे हैं, पानी का बिल नहीं आ रहे हैं। भाजपा उसको फ्री की रेवड़ी कह रही है। अब तो रेवड़ी दे रही है या औरंगजेब के काम कर रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली की जनता क्या कहती नजर आती है उस पर सीधा चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लोकसभा की जो सातों सीटें हैं वो भाजपा के हाथों में, लेकिन अब क्या होने वाला है? ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलती नजर आएगी और यहाँ पर जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं उस साइड पर ही जाती नजर आएगी। तो उसको लेकर बात करेंगे, देखते हैं कितने लोग बोलते नजर आते हैं, कितने नहीं, क्योंकि आजकल जो डर है ना वो लोगों में साफ दिखाई दे रहा है बोलने का। डरते तो नहीं है अंकल जी, ये डरते हैं बोलने से? क्या लगता है, सातों सीटों पे भाजपा है अब की बार, क्या लगता है? बीजेपी की तो सातों सीटें आएंगी आएंगी जी। आएगी? कह रहे कि आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेल सकती है केजरीवाल का। बीजेपी को जानते हैं जी हम तो, बीजेपी अपना रिस्पांस देगी, बहुत बढ़िया देगी। हाँ, बहुत बढ़िया। पूरे देश में 400 पार का नारा जो लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में दे रही है जी बीजेपी, पूरा वर्ल्ड में ही दे रही है तो रिस्पांस अपना। ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी ने अंदर करा दिया केजरीवाल को, हमें उससे कोई चीज से लेना देना नहीं है जी। हमें अपने दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के सीएम है, हम ये फैसला करने वाले कोई नहीं, हमें तो अपना बताया जी। कहाँ से? मैं तो हरदोई से हूँ। हरदोई से है। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी का वोट पक्का है, मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। दिल्ली क्या करने आया है? दिल्ली में रहता हूँ, काम करता हूँ यहाँ। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं दी है वो मिली है या नहीं? चोर को अगर जेल में नहीं डाला जाएगा, क्या उसको ऐसे घुमाया जाएगा? कहते दिल्ली की जनता के लिए काम किया है हमने। काम क्या किया उसने? एक पे एक दारू बेची, ठेका पे ठेका फ्री किया। और क्या किया? कहते फ्री बिजली दे दी, पानी दे दी, बस फ्री कर दी, गटर पानी आ रहा है गली मोहल्ले में, देखो गटर पानी। अरे गटर के पानी, साफ पानी आ रहा दिल्ली में, साफ पानी आ रहा दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में सातों सीटें आएगी आम आदमी पार्टी की, सातों सीटें आएगी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की आएगी सातों सीटें। हाँ जी। इतनी श्योरिटी है? पंजाब में आएगी, दिल्ली में आएगी, हर जगह आएगी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सातों सीटें आएगी। सातों सीटें कह रहे हैं? नहीं जी, सातों नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। एक आध आ जाएगी क्या? हाँ, एक आध आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो भी मुश्किल है। मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी की एक भी सीट नहीं आएगी दिल्ली में। अब मोदी जी तो डर गए हैं, वो तो मालूम होगा चुनाव के बाद, मालूम होगा चुनाव के बाद में। क्या कह रहे मैम? सरकारी हॉस्पिटल जो है बनवाई उसने, सब जगह सरकारी हॉस्पिटल में सब जगह पे जो है बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, स्कूलें बनवाए उसने, प्लस सड़क का सारा काम किया उसने, और क्या चाहिए? कहते सड़कें तो टूटी पड़ी है। अरे कह रही थी महिलाओं को फ्री टिकट दे के महिलाओं को बेकार बना दिया, ऐसे कह रहे हैं? यहाँ पे देख लो, सब बसों में महिलाओं को सब फ्री टिकट आई है, महिलाएं नजर आती है बसों में, पुरुषों को जगह ही नहीं है। नहीं है जगह, सही बात है, लेकिन महिलाएं तो आती है ना, उनको फ्री टिकट तो मिल रही है ना, रिजर्वेशन तो मिला है ना उन्हें, और क्या चाहिए? हर आदमी को अपना काम चाहिए होता है, वो दे रहा है ना कुछ। देखो हर नेता जो होता है, हर कोई अपने कमाने के चक्कर में पड़ा होता है, सब कमाता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो कोई भी हो, ठीक है ना? तो उसने थोड़ा सा कमा लिया तो क्या गलत कर दिया? कमाएगा तो वो भी, थोड़ा नहीं बहुत कमा लिया, घोटाला कर दिया शराब पे। नहीं मैम, काम भी तो किया ना उसने सिस्टर, काम तो किया ना उसने। मोदी जी डेरे हुए हैं, उनको कोई घोटाला कोई भी नहीं है, जो भी बंदा बोलता है उसी के अंदर में ईडी सीबीआई भेज देते हैं। मोदी जी बोलने नहीं दे रहे। हाँ जी ईडी सीबीआई भेज देते हैं, मोदी जी खुद डेरे हुए हैं। बताइए अभी 14 दिन और जेल में रहेंगे, तिहाड़ गए वो तो जान। केजरीवाल ही देश का भला कर सकता, मोदी जी के बस की बात नहीं है, वो तो खाली उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। पर कह रहे हैं कि केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, तिहाड़ भेज दिया। अब यहाँ पर उधर सर कह रहे थे कि मोदी जी से बेहतर काम केजरीवाल ने किया। नहीं, वो ऐसा है ना कि चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, या आप या हम कोई भी हो, जो क्राइम करेगा उसे तो अंदर जाना चाहिए, अगर वो अपराधी है तो उसे अंदर रहना चाहिए, अंदर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए मेरे हिसाब से इस नए इंडिया में कोई जगह नहीं है। ये नया इंडिया कब बना है? नया इंडिया जब से हमारे मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, आप चेंजेस देखिए टेक्निक में, महिलाओं के विकास में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है वो नया इंडिया है। नया इंडिया है।
मेरी मानना ये हो सकता मैं गलत भी हूँ। और दिल्ली दिल्ली का क्या कहेंगे ये केजरीवाल को सरकार? केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, काम अच्छा किया उन्होंने, लेकिन साथ में अगर जो है वो जिस मुद्दे पे आए हैं, मतलब वो आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो ही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। अब ये तो अभी आगे केस चलेगा, जैसे जैसे परतें खुलेंगी तो पता लगेगा कि किसने कितना अपराध किया। यहाँ पर जनता कह रही है, आप ये बताइए सुविधाएं में केजरीवाल जी की सुविधाएं मिलती है या नहीं, ये बताइए। अब केजरीवाल की सुविधाएं तो यहाँ दिल्ली की जनता को ही मिल रहा होगा, हम तो बाहर के आदे, हम बिहार से हैं जी, यहाँ रहते हैं, यहाँ मार्केट में ही रहता हूँ, कश्मीरी गेट में जी। सुविधाएं तो मिल रही होगी, फ्री बिजली फ्री पानी की बात? यहाँ तो मार्केट में बिजली तो फ्री नहीं है, यहाँ तो कमर्शियल बिजली आती है, प्राइवेट है, तो दुकानदार के तो बिजली प्राइवेट होते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं क्या कहूँ, यहाँ पर लोग बहुत खुश थे केजरीवाल की फ्री वाली चीज़ों से। अब देखिए, चाहे चोर हो गुंडा हो लखेरा हो, उससे मतलब नहीं है, हमें जनता को जो सुविधा दे उससे मतलब है। सुविधाएं मिली है अरविंद केजरीवाल? क्या नहीं मिला है, एसी चला रहा हूँ बिल नहीं आ रहे हैं, पानी का बिल नहीं आ रहे हैं। भाजपा उसको फ्री की रेवड़ी कह रही है? अब तो रेवड़ी दे रही है या औरंगजेब के काम कर रही है? औरंगजेब का काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, सुन लीजिए कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। आप तो बात नहीं करेंगे भैया जी, है ना, क्या कहेंगे सर अरविंद केजरीवाल को लेकर? जैसी करनी वैसे भरनी मैडम, ठीक है? क्या कर दिया केजरीवाल? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अगर नहीं किए होते तो आज जेल के सलाखे में नहीं होते। सबूत नहीं दिखा रहा ईडी, सबूत हो तो जाए अंदर। सबूत सबूत तो मैडम देखो, संविधान ने इनको बंद किया है ना, संविधान के तहत उन्होंने बंद हुए है ना, जो ईडी भी है संविधान से ही है, तो हम निर्णय संविधान वक्ता को, जो वक्ता है